हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस। स्टूडेंट, आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करेंगे। और आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो जैसे किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी पूरी बॉडी में फैलाया जाता है, उनको पूरी बॉडी में ले जाया जाता है। तो इस सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल जो है वो हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है, फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड सर्वाइव ऑफ सेल्स मस्ट बी सप्लाइड सब्सटेंसेस लाइक फूड एंड ऑक्सीजन। तो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और जिंदा रखने के लिए कुछ जो सब्सटेंसेस है जैसे फूड, ऑक्सीजन और वाटर, इनको जो है हमारी बॉडी में क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन कैरी द एसेंशियल सब्सटेंसेस to all its parts so that they reach each and every cells of its body. तो हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन और वाटर को दूसरी जगह पर पहुंचाने, यानी कि एक पार्ट से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए कुछ अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है एक बॉडी के पार्ट से एब्जॉर्ब किया जाता है और बॉडी के दूसरे जो है पार्ट में क्या कर दिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, अब हम ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्लड जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन और जो भी फूड हम खाते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है और जितने भी केमिकल्स होते हैं जैसे हार्मोन्स और एंजाइम्स, इनको जो है पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड और केमिकल्स वगैरह भी पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, तो ये भी जो होते हैं ये इसी सिस्टम के थ्रू जो होते हैं वो बॉडी के जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्ट होता है और हार्ट के थ्रू ही जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। हार्ट के अलावा हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स होते हैं, सबसे पहला है वेन, वेन होता है, नेक्स्ट है आर्टरी एंड देन कैपिलरीज। ठीक है, ये तीनों हमारे होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। हार्ट के अलावा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करता है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पहले ही बता दिया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्ट होता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होती है और ब्लड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप या पुश आउट करने का काम करता है। ब्लड को पंप या पुश आउट करने का काम करता है हार्ट, क्या करता है, पंप और पुश आउट इसको ब्लड को। आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज होती है वो पाइप की तरह काम करती हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। जैसे हमारे घरों में नलों में पानी आता है तो नलों का कनेक्शन होता है, पाइप के थ्रू होता है, तभी पानी आता है। तो उसी तरह से आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज पाइप की तरह वर्क करती हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। हार्ट इज रफली ट्राइंगुलर, देखिए ट्राइंगुलर शेप में है, इस तरह से ट्राइंगुलर शेप में है, तो ये रफली ट्राइंगुलर शेप का होता है। ये स्पेशल मसल से मिलकर बना होता है जिसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट स्पेशल मसल से मिलकर बना होता है जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट का जो साइज है वो हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जब हम मुट्ठी को बंद कर देते हैं तो जितनी हमारी मुट्ठी बनती है उतना ही बड़ा हमारा
हार्ड होता है। क्लैंच्ड फिस्ट का मतलब है बंद मुट्ठी, ठीक है। हार्ट हैज, ये देखिए क्लैंच्ड फिस्ट है, हार्ट हैज फोर कंपार्टमेंट, हार्ट में चार कंपार्टमेंट होते हैं, ऊपर के दो कंपार्टमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं आर्ट्रिया, और नीचे के जो कंपार्टमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऊपर के कंपार्टमेंट जो दो होते हैं ये देखिए ये दो, ठीक है, ये और ये आर्ट्रिया होते हैं, देखिए राइट आर्ट्रियम दिखाया गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम। अब आर्ट्रियम जो है सिंगुलर है और आर्ट्रिया जो है वो प्लूरल है। इसी तरह से नीचे देखिए वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये जो है वेंट्रिकल्स, प्लूरल फॉर्म इसका वेंट्रिकल्स हो गया। आर्ट्रिया जो है वो क्या करती है, मेन वेन से ब्लड रिसीव करती है। आर्ट्रिया का काम क्या होता है, मेन वेन से जो पल्मोनरी वेन होती है उससे ब्लड रिसीव करती है, ठीक है। और वेंट्रिकल क्या कर, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं वो एंटायर बॉडी में और लंग्स में जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम, ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है एक वॉल्व के थ्रू। देखिए ये बीच में एक वॉल्व दिखाया गया है, एक वॉल्व के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है एक वॉल्व के थ्रू। तो इसमें इस तरह से ये दो वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है, वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन विद हाई प्रेशर, क्योंकि वेंट्रिकल को जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई करना पड़ता है और जो सप्लाई होता है वो बहुत हाई प्रेशर से होता है। इसीलिए आर्ट्रिया की जो वॉल्स होती है, जो इसकी जो वॉल्स होती है वो आर्ट्रिया की वॉल्स से मोटी होती है, क्योंकि अगर पतली होंगी तो क्या होगा, थीन होंगी तो इसकी वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा ब्लड का और वॉल्स फट जाएंगी। तो इसीलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो आर्ट्रिया की वॉल्स के कंपैरिजन में थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। अब ये जो है हमारे हार्ट के चारों ओर एक कवरिंग होती है जो हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को। आर्टरीज जो होती है वो हमारे पूरी बॉडी में पाई जाती है। मेन आर्टरी जो होती है एओर्टा, ये है मेन आर्टरी हमारी, ये एओर्टा, ये क्या करती है, कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वॉल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये देखिए ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे कनेक्ट होती है, सॉरी ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है, ये एक वॉल्व के थ्रू कनेक्ट होती है, ठीक है। और मेन आर्टरी जो होती है यानी कि एओर्टा, वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है, केवल लंग्स में सप्लाई नहीं करती है, ठीक है। अनदर आर्टरी जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ये देखिए ये दिखाई गई है पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करती है, ये राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है एक वॉल्व के थ्रू, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले जाने का काम करती है। देखिए एओर्टा जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई करती है लंग्स के अलावा, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स में पहुंचाने का काम करती है। हार्ट सॉरी कैपिलरीज होती है वो थिन वॉल्ड होती हैं और बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करने का काम करती हैं। आर्टरीज और वेन्स को कनेक्शन का काम कौन करता है, कैपिलरीज, ठीक है। वेन्स होती है वो थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट से इकट्ठा करके फिर से हार्ट में ले जाने का काम करती है। देखिए आर्टरी जो होती है वो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में ले जाने का काम करती है, और जो वेन होती है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स में पहुंचाने का काम करती है, जिससे कि लंग्स में वो प्योरीफाई हो जाए, ठीक है। तो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें और जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लंग्स में जाता है, लंग्स में वहाँ पे प्योर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, फिर से उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और फिर से वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, बॉडी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होकर उसमें आती है और फिर से वो लंग्स में आ जाता है।
इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, सर्कुलेशन कैसे होता है। देखिए हमारे हमें पता है कि हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं। जब ये चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स की पोजीशन में होती है, तो ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लंग्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाकर कहाँ डालती है, लेफ्ट आर्टरी में। देखिए लंग्स से ये सप्लाई कर रही है पल्मोनरी आर्टरी, और कहाँ पे ले जा रही है, पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी वेन कहाँ ले जा रही है, लेफ्ट आर्टरी में, ठीक है। अब लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ आ जाता है, वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मेन आर्टरी एरोटा के थ्रू जो होता है, इसमें मेन आर्टरी जो एरोटा है उसके थ्रू पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन्स में फैला दिया जाता है। मेन आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, कैसे सारे ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करेगी, ये आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ठीक है। कोई ब्रांच हमारे पैरों में जाती है, कोई हाथ में जाती है, कोई कहीं जाती है, तो सारे पार्ट में ये जो आर्टरी की ब्रांचेस चली जाती हैं, तो उसी के थ्रू क्या होता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन तो चली गई, अब हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें मिल जाती है, तो ब्लड जो होता है वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मेन वेना कावा, ठीक है, ये दिखा रहे हैं, ये देखिए मेन वेना कावा के थ्रू कहाँ पे जाता है, ये जाता है राइट एट्रियम में, ये देखिए ये दिखा रहे हैं, राइट एट्रियम में गया, यहाँ पे राइट एट्रियम में वॉल्व होता है, वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में गया वॉल्व के थ्रू, अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। लंग्स में चला गया, अब लंग्स में ये जो ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड है, लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी, फिर से ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आर्टरी की ब्रांचेस के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में, फिर मेन वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है, तो ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। आइए बताते हैं कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो ब्लड है वो एक साइकिल में दो बार सर्कुलेशन होता है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट थ्रू द लंग्स, हार्ट का लंग्स में जाना और लंग्स से बैक टू द हार्ट और फिर से हार्ट में आ जाना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। हार्ट का जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाना और फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में जाना, ये कौन सा सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से पूरी बॉडी में जाना और पूरी बॉडी से फिर से हार्ट में आना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी हार्ट से जब ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग्स से हार्ट में तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और जब हार्ट से बॉडी में जाएगा बॉडी से हार्ट में तो उसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये दो सर्कुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक, इसीलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा, बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, जैसे हमारे दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स होते हैं, दो एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है, और फिश में 2 ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। हार्ट बीट क्या होती है कि जब एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का तो उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। एक मिनट में नॉर्मली जो हमारा हार्ट है वो 70 से 72 टाइम्स जो होता है सर्कुलेट करता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है,
जिस प्रेशर से जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है हार्ट के थ्रू, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिस प्रेशर से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर